अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं कुकिंग विद हादिया नाल जी व्यूअर्स ते अज असीं अपने किचन च बना दे आ चिकन फजीता राइस, जो बन के बहुत ही मज़ेदार ते टेस्टी तैयार ने ते ईजीली बनने वाली रैसपी है। ते चलो व्यूअर शुरू करने आ अज दी रैसपी जी। ते रैसपी शुरू करन तो पहले तुसीं मेरे चैनल नूं सब तो पहले सबसक्राइब कर लेना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तुहाडे तक आसानी पहुँच सके। ते चिकन फजीता राइस बनाने लई सानूं चाहिदा है 500 ग्राम बोनलैस चिकन, ते असीं नूं लंबे ऐसा क्यूब च कटिंग कर लिया। ते हुण असीं नूं मैरीनेट कर लैने आ। ते मैरीनेट करन वास्ते सानूं चाहिदा है लसन दा पेस्ट, एक चम्मच सानूं चाहिदा सिरका, एक भर के चम्मच सानूं चाहिदा सोया सॉस दा, चिकन पाउडर दा आधा चम्मच, पपरीका मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच सानूं चाहिदा धनिया पाउडर दा, आधा चम्मच सानूं चाहिदा काली मिर्च पाउडर दा, हल्दी पाउडर दा थोड़ा जिहा, नमक तुसीं अपने टेस्ट दे मुताबक डाल सकते हो, कुटियां होईयां लाल मिर्चां दा अद्धा चम्मच डालांगे, स्पाइसिस तुसीं अपने हिसाब दे मुताबक जिन्ना तुसीं खांदे हो डाल सकदे हो, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर दा जूस डालांगे, मिक्स कर लांगे। मिक्स करन तो बाद इहदे च असीं डालांगे एक चम्मच ऑयल दा, मिक्स कर लांगे। मिक्स करन तो बाद एक घंटे वास्ते असीं इहनूं फ्रिज च रख दांगे ताकि साडा चिकन अच्छी तरह मैरीनेट हो जाए। ठीक है, चावलां नूं बॉयल करन वास्ते मैं पानी रख दित्ता सी चूल्हे ते, ते हुण असीं इहदे च आधा चम्मच नमक दा ऐड करांगे, एक चम्मच इहदे च घी दा ऐड करांगे सारे चावल आपस च जुड़न ना। मैं भी बस सेला चावल ले लिया सा, तेन तकरीबन एक घंटे पहले भिगो के रख दिता सी, पानी में आ गया उबाल, तो हमने सीधे चावल में डाल दिया जी। तो साढ़े चावल बॉयल हो गए तो हम असं इन्हों निचोड़ लें जी। तो चिकन रखे हुए तकरीबन एक घंटा हो गया से फ्रिजर च, तो असं निकाल के लेके आए हैं, तो हम असी चावलों का मसाला कर लें तैयार जी। इतने मैं कढ़ाई च तीन चम्मच ऑयल दे डाल लेने, तो हम असी अपने प्याज ऐड करांगे, प्याज कोई ज्यादा ब्राउन नहीं करांगे। ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਰਮ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ जी। तकरीबन 10 तो 15 मिनट वास्ते सिम उपरों कवर करके छड़ दांगे ताकि साडा चिकन अच्छी तरह अंदरों तक गल भी जाए ते मसाला भी अंदर गजब हो जाए जी। भी बस तकरीबन 10 तो 15 मिनट हो गए ते साडा चिकन अच्छी तरह माशाल्लाह गल भी गया है ते मसाले भी अच्छी तरह गजब हो गए। तो हम इसे अपनी शिमला मिर्च ऐड करांगे, मेरे को भी अवेलेबल सन, तो मैं सिर्फ ग्रीन वाली भी डाल दें, किसी रेड से येलो वाली भी डाल सकते हो। तो एक तो दो ज़्यादा सब्ज़ मिर्चा डालेंगे, तो इन्हें मिक्स हर्ब्स थोड़ा जो प्याज डालेंगे,
2-3 मिनट तक ही अच्छी तरह पहले शिमला मिर्च में जरा सॉफ्ट हो जाए। देखें माशाल्लाह ने सारी शिमला मिर्च भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। तो हमने फिर अपने बॉयल किए हुए राइस के ऐड करने चावल इसमें चावल डालने तो बाद में अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो माशाल्लाह ने सारे चावल हो गए रेडी। तो हम इसमें डिश च निकालने तो मेरी लास्ट लुक दिखाने हैं साढ़े चिकन पजीता राइस कैसे बने हैं जी। तो असं चावल निकालने हम अपनी सर्विंग डिश च। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ना बहुत ही जबरदस्त है साढ़े चावल बन के बने तैयार। खुशबू बड़ी जबरदस्त आ गई। व्यूअर्स तुसी जरूर ट्राई करनी है। सिंपल सी ते आसान जी साड़ी रेसिपी है। चिकन फजीता राइस जी। व्यूअर्स देखो माशाल्लाह साढ़े जबरदस्त चावल हो बन के हो गए तैयार। बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बन के हुए तैयार। तो व्यूअर्स अगर तुम्हें अज्ज मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है।